अमितेश त्रिवेदी है, मैं मुख्यमंत्री अभ्युदय योजना का एक छात्र हूँ। मैं आज आप लोग को बताना चाहता हूँ अपने दिल से कि जिस तरह से मुख्यमंत्री जी ने इस योजना का शुभारंभ किया है, यह मुझ जैसे लाखों बच्चों के लिए एक प्रेरणा स्रोत बनी है। ये एक उम्मीद बन के आई है कि हम लोग जो गरीब घर के बच्चे हैं, जिन लोगों के पास पढ़ने के पास पैसे नहीं होते हैं, वो भी बड़े बड़े अधिकारी बन सकते हैं। यह हम लोग को एजुकेशन प्रोवाइड करती है, एजुकेशन इस बात की कि हम लोग भी बड़े बड़े पद पे पहुंचे, अपने जीवन को उज्जवल बनाए, ना केवल अपने जीवन को बल्कि अपने समाज को उज्जवल बनाए। तेजस्वी नवोदितम अस्तु, यह हम लोग के इंस्टीट्यूट का, अभ्युदय योजना का एक सिंबल है, एक लोगो है, जिसका तात्पर्य यह है कि हम लोग विद्या के बल पे तेजस्वी बने और समस्त समाज को तेजस्वी बनाए। मैं मुख्यमंत्री जी का आभार प्रकट करता हूँ कि उन्होंने हम लोग के लिए इतनी अच्छी योजना बनाई। इससे मुझे बहुत लाभ हो रहा है और मेरे मित्रों को भी बहुत लाभ हो रहा है। इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्ते, मेरा नाम विवेकानंद है और मैं भी इस योजना में लाभान्वित हो रहा हूँ। मुख्यमंत्री जी को मेरा सब सब नमन, जिन्होंने ऐसा अच्छा सा योजना हम लोग के लिए उत्तर प्रदेश में लाया है। और बात उन दिनों की है जब हम एसआई की तैयारी कर रहे थे, लेकिन मेरा ड्रीम था आईएएस बनने का। मेरे पास ज्यादा मतलब मेरी फैमिली कंडीशन उतनी अच्छी नहीं है जिससे हम लोग 4-5 लाख रुपया मंथली जो है स्पेंड करके दूसरे कोचिंग में जाके पढ़ सके। लेकिन मुख्यमंत्री जी के योजना के बारे में मेरे दोस्त ने जब बताया मुझे, तो मुझे विश्वास नहीं हुआ। तो मैंने 13 फरवरी रहा होगा उस दिन, मेरे दोस्त ने कहा कि चलो चलते हैं, मुख्यमंत्री योजना आया है एक, वहां पे आईएएस लोगों की तैयारी कराई जा रही है। तो मुझे विश्वास नहीं हुआ। अब मेरा दोस्त ही मेरा फॉर्म वगैरह डाला था, मुझे बताया नहीं था, उसका एग्जाम वगैरह भी हम लोग दिए थे। फिर अचानक हमको कॉल भी आया और बात है 15 फरवरी, उस दिन हम लोग मुख्यमंत्री से कॉन्फ्रेंस कॉल में बात भी किए थे और योजना के बारे में मुख्यमंत्री जी ने हमको बताया था। और 16 फरवरी को माँ सरस्वती का दिन था, सरस्वती पूजा था उस दिन। उस दिन से सरस्वती माँ की वंदना करने के बाद हम लोग ने अपना पढ़ाई भी शुरू कर दिया था उस योजना के तहत। इसके लिए सत सत नमन मुख्यमंत्री जी को, धन्यवाद। मेरा नाम शंकर कुशवाहा है, मैं आपको इस योजना के बारे में और अपने दोस्तों के बारे में कुछ बताना चाहता हूँ। सबसे पहले मैं मुख्यमंत्री जी का धन्यवाद करना चाहता हूँ, क्योंकि उनकी वजह से मैं इतने अच्छे कोचिंग संस्थान में पढ़ रहा हूँ। हमें अच्छे टीचर्स मिले हैं, अच्छे डायरेक्टर मिले हैं जो हमारी पढ़ाई की देखरेख करने में हमारी सहायता करते हैं, और जो हमारे वहाँ पे डायरेक्टर हैं वो हम लोगों से तत्पर जुड़े रहते हैं। हमारी कोई भी समस्या होती है सबसे पहले हमारी समस्याओं को दूर करते हैं। तो मैं बस इतना ही कहना चाहता हूँ कि इससे पहले भी मैं करीब 1.5 सालों से इस आईएएस बनने की तैयारी में जुटा हुआ हूँ और अपने जीओ जान से इस लगन में लगा हुआ हूँ कि मैं एक दिन आईएएस ऑफिसर बन के दिखाऊंगा। मैंने लास्ट ईयर 2019 में पीसीएस क्वालिफाई किया था छत्तीसगढ़ का, मैंने मेंस दिया, बीपीएससी क्वालिफाई किया था प्री, तत्कारण मैं मेंस दे नहीं पाया। लास्ट ईयर 2020 में मैंने यूपीएससी क्वालिफाई किया और मैं मेंस नहीं दे पाया। क्यों मेंस नहीं दे पाया? क्योंकि मेरी तैयारी उस प्रकार की नहीं थी। मैंने प्री की तैयारी की थी और मेंस में क्वेश्चन मेरे से अच्छे अटेम्प्ट नहीं हो पाते थे, क्योंकि मैंने छत्तीसगढ़ का मेंस दिया, मैं क्वालिफाई नहीं कर पाया क्योंकि मेरे पास अच्छी टीचर्स नहीं थे, अच्छी एजुकेशन की व्यवस्था नहीं थी, मेरे पास अच्छी बुक्स वगैरह नहीं थी, अच्छी पीडीएफ वगैरह नहीं थे, अच्छे नोट्स नहीं थे। इसकी वजह से मैं क्या कर रहा था, अपने रास्तों से भटक रहा था। मुझे पढ़ना चाहिए कुछ और, लेकिन मैं पढ़ रहा हूँ कुछ और। उसकी वजह से मैं अपने सपने को पूरा करने की ओर अग्रसर नहीं पड़ रहा था, अपने समय को बर्बाद कर रहा था। लेकिन इस योजना के तहत मैं और मेरे दोनों मित्र, हम दोनों लोग जा रहे हैं बड़ा लालपुर में और इसी योजना के तहत वहां पे क्लास कर रहे हैं। अभी तत्कारण कुछ समस्याओं के कारण 1 हफ्ते का अवकाश है, लेकिन हमारे जो क्लासेस हैं वो ऑनलाइन चल रही है। जैसा कि अभी की जो क्लासेस है 4 बजे से 5:30 बजे तक पॉलिटी की क्लासेस चलेंगी, शिखर खन्ना सर पढ़ाएंगे। तो बस मैं अपने सारे दोस्तों की ओर से मुख्यमंत्री जी को धन्यवाद देना चाहता हूँ कि मैं इस कोचिंग संस्थान में पढ़ूंगा।